हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल चौबे हियर और आप लोग देख रहे हैं टेक वाला अतुल चौबे। और आज हम लोग एक लाइव फ्लैश सेल देखेंगे फ्लिपकार्ट पे, एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो टाइम हो रहा है अभी 11:58 और हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लैश सेल एसुस के ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 GB रैम, 32 GB और 4 GB रैम, 4 GB का फास्ट चार्जर लिखा है, लेकिन शायद जो चार्जर देता है वो फास्ट चार्जर नहीं। डिस्प्ले वही फुल व्यू डिस्प्ले हो गया, कोना में गोल गोल वाला रेटिंग स्टोन का। पीछे में कैमरा है 30 MP और 5 MP का, दोनों 5 MP आपको डेप्थ सेंस कर सकते हैं। और एक एल ई डी फ्लैश है और 4K रिकॉर्डिंग के लिए, बाकी फिर पोर्ट्रेट मोड है, सेल्फी है और सेल्फी में भी पोर्ट्रेट मोड ले सकते हैं। 5 mm लाउड स्पीकर कैमरा है जो कि अच्छा है मानते हैं, और एक मैक्स बॉक्स दिखता है और देता है, और एक फेस अनलॉक का है जो कि इतना कुछ खास है नहीं। और चलिए हम लोग देखते हैं इसके सेल को। अजीब बात है, हर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन, हर सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछा है। इस It supports dual SIM with micro card. So, सारे तीन क्वेश्चन यही है। फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। अब ये नोटिफाई में अब 12 बज गया। आया बाय नाउ। कैश ऑन डिलीवरी नहीं, सॉरी। अरे इस बार तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, अभी तो 12 ही बज रहा है, ये क्या मतलब है? अरे तो पेमेंट ऑलमोस्ट कर ही दिए, लेकिन तो बाहर एक भी नहीं हुआ। इससे ऑटो स्टॉक इतना जल्दी? अरे यार क्या मतलब भाई, देखिए दूसरा मेरा क्या प्रॉब्लम है। बाय नाउ आइटम इज नॉट अवेलेबल, दूसरा वाला चल गया, ये भी आउट ऑफ स्टॉक। मतलब इसमें भी सेम केस हुआ जो रेडमी नोट 5 प्रो M1 रेडमी नोट 5 प्रो में हुआ था। इस बार तो हम एक भी नहीं होने दिए, बाहर एक भी नहीं होने दिए, ऑलमोस्ट पेमेंट कर दिए बस, ये क्या मतलब था? हद है, ऐसे तो आदमी सही में कुछ नहीं खरीद पाएगा क्या? ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है क्या फ्लिपकार्ट का, कि हम लोग अलग से बेच दिए, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ वहाँ, 12 बजे ऑलमोस्ट गया, वो बाई नाउ था, 12:01 भी नहीं था, कैश ऑन डिलीवरी क्लिक किया, कोड डालते डालते आउट ऑफ स्टॉक। ये तो ठीक चीज़ नहीं ना है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं मतलब आप पेमेंट मतलब ऑलमोस्ट आप कैश ऑन डिलीवरी कर दिए, तो इसका मतलब ये कि वो ख़त्म भी हो जाएगा उसी सेकंड में, ये क्या कोई तो कोई मतलब नहीं हुआ। वो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है।
आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप लोग कुछ कमेंट कीजिए, मैं फाइंड आउट करता हूँ। ये तो अगर मुझे कुछ पता चलता है इस बारे में तो मैं आप लोग को बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और आप लोग को जो मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग।